गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों? शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। सबसे पहले सभी बच्चे अपने काम के ऊपर आज की डेट जरूर लिखेंगे, जो कि है 31/8 यानी कि अगस्त 2021। और अपना सेक्शन लिखना ना भूलें। आपका सेक्शन क्या है? सेक्शन है ए या बी, सी डी भी हो सकता है किसी का, तो अपना सेक्शन जरूर लिखेंगे। स्टूडेंट्स नेम अपना यहाँ पर लिखें और अपनी टीचर का नाम भी यहाँ पे लिखेंगे। बच्चों ये पहला प्रश्न है चित्र पहेली। नीचे दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आप किन्हीं चार गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों इसमें आपको गलतियाँ ढूंढनी हैं। देखिए जैसे मुझे एक गलती मिल गई है, ये देखिए यहाँ पे ये 3 है जबकि यहाँ ये 2 है, तो मुझे एक गलती मिल गई तो मैं इसको सर्कल कर दूंगी। इसी तरह आप और 3 और गलतियाँ ढूंढिए और सर्कल करिए और मुझे भेजिए। आप इस वर्कशीट को जब मैं आपको भेजूंगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और फ़ोन में ही गोले लगाकर एडिट करके मुझे भेज सकते हैं। कॉपी में ना लिखें तो भी चलेगा, ठीक है बच्चों? चलिए आगे की वर्कशीट देखते हैं। आगे है करके पता लगाओ। आओ आज एक खेल खेलें। इस खेल को खेलने के लिए आप एक कटोरी छोले और एक खाली प्लेट ले आइए आप, ठीक है? अब देखिए बच्चों मैं लेकर आई हूँ, ये रहे छोले और खाली प्लेट। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या लगता है, आप एक बार में एक मुट्ठी में छोलों के कितने दाने उठा सकते हैं? अंदाज़ा लगाइए। चलिए मैं एक बार में मैं मुट्ठी में उठाती हूँ, मैंने एक मुट्ठी में दाने उठाए हैं कुछ। अब मुझे ये अंदाज़ा लगाना है कि कितने उठाए होंगे। मैंने लगभग उठाए होंगे दाने, चलो मैं बोलती हूँ मैंने 30 दाने उठाए, मान लिया, ठीक है? अब मैं इन दानों को गिनती हूँ। सबसे पहले मैंने कितना अंदाज़ा लगाया? मैंने बोला कि मैंने शायद 30 दाने उठाए हैं, तो मैंने आपका अंदाज़ा कितने छोले थे? 30 छोले के दाने, मैंने इधर 30 लिख दिया। अब आप अपने एक हाथ की मुट्ठी में छोले उठाइए और उन्हें खाली प्लेट में रखकर गिनिए। मैंने जो एक हाथ की मुट्ठी में उठाए थे वो मैंने यहाँ रख दिए। अब मैं इनको गिनूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कितने दाने हैं बच्चों? 22। तो मैंने कितने दाने उठाए? आपकी मुट्ठी में छोले के कितने दाने आए? 22। क्या आपका अंदाज़ा ठीक था? नहीं, मेरा अंदाज़ा तो ठीक नहीं था क्योंकि मैंने बोला था 30 आए होंगे और कितने आए? 22। अगर आपका अंदाज़ा ठीक नहीं आता तो फिर दोबारा से मुट्ठी में छोले उठाइए और उन्हें गिनिए, ऐसा 2-3 बार कीजिए। तो चलिए अब मेरा अंदाज़ा सही नहीं आया है तो मैं एक और बार उठाती हूँ मुट्ठी में दाने, ठीक है? मैंने उठा लिए हैं, तो फिर अब मैं ये सोचती हूँ कि कितने उठाए होंगे मैंने दाने। पिछली बार मैंने 30 बोला था तो, लेकिन इस बार मैंने ना ज़्यादा दाने उठाने की कोशिश की है, तो इस बार भी मैं 30 ही बोलती हूँ, ठीक है? और ये पहले से उठाए हुए दाने थे इधर जो मैंने अभी गिने थे वो मैं वापस रख देती हूँ, ठीक है? अब मैं गिनती हूँ दोबारा से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मैं 2-2 करके गिन रही हूँ, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29। तो बच्चों मैंने कितना बोला था कि 30 और 29, यानी कि मैंने उसके आसपास बोल दिया, तो यानी कि मेरा अंदाज़ा इस बार सही रहा। तो फिर अब अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि कितनी बार में आपका अंदाज़ा
लगभग ठीक आया, तो मेरा दूसरी बार में ही लगभग ठीक आ गया। मैंने बोला था 30 दाने होंगे इस बार, और कितने थे, 29 दाने थे। मैंने सोचा था 30 होंगे और 29 थे, तो ये बिल्कुल इसके पास ही तो है, तो हमें आसपास भी आ गया तो हम उसको मान लेंगे। अब अगला क्या लिखा है, मान लो कि आपको छोले की 100 दाने प्लेट में चाहिए, तो आपको कितनी बार मुट्ठी भरकर छोटे प्लेट में डालने होंगे। अब हमें 100 दाने चाहिए, तो जैसे मेरे तो एक बारी में 30 आए थे, तो एक और बार अगर मैं करूँगी तो दोबारा भी 30 के लगभग आएंगे, तीसरी बार भी करूँगी तो हो सकता है 30 के ही लगभग आए। कितने हो गए, 30 30 30, 90 हो गए, तो हो सकता है मैं चौथी बार थोड़े कम दाने ले लूँ और 10 के लगभग आ जाए, तो मेरे चार बारी में 100 दाने हो जाएंगे। तो मैं इधर लिख देती हूँ कि चार बार मुझे लेना पड़ेगा ताकि 100 दाने करने हैं मुट्ठी में। सबकी मुट्ठी का अंदाज़ा अलग हो सकता है क्योंकि सबका हाथ बराबर नहीं होता। बच्चों, अगर आप और आपके भाई बहन अपने एक एक हाथ की मुट्ठी में छोले लेंगे, तो क्या आप दोनों के हाथों में बराबर दाने आएंगे? नहीं आएंगे। जैसे आपका हाथ हो सकता है अपनी बहन या भाई से बड़ा या छोटा हो सकता है, तो आप दोनों हाथों में छोले लेकर पता लगाइए। अब आपको ये वाली एक्टिविटी भी मुझे ऐसे ही करके दिखानी है जैसे मैंने करी, फिर आपको अपने भाई बहन के साथ भी करनी है। आप अपने हाथ में दाने लेंगे तो जितने दाने आएंगे इधर लिखो, आपके भाई या बहन के हाथ में जितने दाने आएंगे वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों? और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर में मौजूद अलग अलग प्रकार की दालों के नाम और उनकी पहचान बताइए। उन्हें यह भी बताइए कि दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं, इसलिए हमें दालों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, दालें खाना भी ज़रूरी है जिससे कि हमें प्रोटीन मिल सके। तो बच्चों, ये मैंने गिनती की है इन सफ़ेद छोलों से। अगर आपके घर में सफ़ेद छोले नहीं है तो आप काले चने ले सकते हैं, या छोटे चने आते हैं मटर के दाने, दालें भी ले सकते हैं, मोटी वाली दाल लेंगे जिससे कि आसानी हो जाए आपको गिनने में। तो आप कुछ भी ले सकते हैं और अंदाज़ा लगाइए कितनी चीज़ें आएंगी मुट्ठी में। और COVID-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहारों में से एक क्या है कि मास्क पहन के ही बच्चों बाहर जाएंगे। तो अपनी आज की वर्कशीट करिए और मुझे काम अपना भेजिए। सभी बच्चे अच्छे से काम करेंगे। टेक केयर बच्चों, बाय।